श्रीष्टि सिंह, फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आज के इस पांचवें एनुअल फंक्शन की खूबसूरत शाम में। आशीष, कितनी अजीब बात है ना कि हम सभी जानते हैं कि नारी के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी आज कुछ लोग उस दिव्य स्वरूपा नारी को पैदा ही नहीं होने देते हैं। यह हमारे अज्ञानता का प्रतीक है कि हम सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं। तो आइए, इस खास परफॉर्मेंस को देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सबों के सामने एक कविता के माध्यम से बताऊं कि वो कोक की बेटी अपनी माँ से क्या कहना चाहती है। बेटी ये कोक से बोल रही, माँ कर दे तू मुझ पे उपकार, मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार, मुझको भी देखन दे संसार, बिन मेरे माँ तुम भैया को राखी किससे बंधवाओगी, मरती रही कोक की हर बेटी तो बहू कहाँ से लाओगी, बेटी ही बहन बेटी दुल्हन, बेटी से ही होता घर परिवार, मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। मानेंगे पापा भी अब माँ, तुम बात बता के देखो तो, दादी नारी तुम भी नारी, सबको समझा के देखो तो, बिन नारी प्रीत अधूरी है, नारी बिन सूना है घर बार, मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। नहीं जानती मैं इस दुनिया को, मैंने तो जाना बस तुमको, मुझे पता तुझे है फिक्र मेरी, तू मार नहीं सकती मुझको, फिर क्यों इतनी मजबूर है तू, माँ क्यों है तू इतनी लाचार, मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। गर मैं ना हुई तो माँ फिर तू किसे दिल की बात बताएगी, मतलब कि इस दुनिया में माँ तू घुट घुट के रह जाएगी, बेटी ही समझे माँ का दुख, अंकुश कर लो बेटी से प्यार, मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार, मुझको भी देखन दे संसार। और ये ऐसे जोरदार तालियां इस खूबसूरत पंक्तियों के लिए। और आइए हम सीधे चलते हैं हमारे इस खास परफॉर्मेंस की ओर, जो कि एक थीम बेस्ड परफॉर्मेंस है और उसका थीम है बेटी बचाओ। जी हाँ, आज हमें बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हमें ये कहना पड़ रहा है बेटी बचाओ। लोग कैसे भूल जाते हैं कि ओलंपिक 2016 में दोनों पदक दिलवाने वाले भी लड़की ही थी, एवरेस्ट को दो बार फतेह करने वाले भी लड़की ही थी, स्पेस में अपना परचम लहराने वाली वीर कल्पना चावला भी एक लड़की ही थी। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, लड़की की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, वह अतुलनीय है। तो चलिए, वक्त आ गया एसटीवी परिवार की ओर से पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। मसौरी से भी हमारे वीर जवान संजय कुमार सिन्हा शहीद हुए हैं, जिनके घर खुद एसटीवी के प्रिंसिपल सुरेंद्र सर कुछ बच्चों के साथ उनके घर गए थे और उनकी पत्नी और बच्चे को सहायता राशि भी प्रदान की, साथ ही साथ उन्हें विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव भी दिया। मैं चाहूँगा कि आप कृपया अपने अपने जगहों पर बैठ जाइए। ये बहुत संवेदनशील परफॉर्मेंस है, हम उन पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटी सी पोयम आप सबों के सामने प्रस्तुत करूँगा। है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तौल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोड़ियों में भी प्रभाती सुन रही थी,
पिता तुम पर गर्व है, चुपचाप जाकर बोले आई प्रिया, जिसकी चूड़ियों में से सितारे टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। है नमन उस देहड़ी को, है नमन उस देहड़ी को, जहां तुम खेले हो संजय। वही वीर सपूत जो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए, जो मसौड़ी के रहने वाले थे। है नमन उस देहड़ी को, जहां तुम खेले हो संजय, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उनको, लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। कंचनी तन चंदनी मन आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हवन तुमको नमन है। कंचनी तन चंदनी मन आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हवन तुमको नमन है। है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उनको, है नमन उनको। पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही डायलॉग है, जो उसके रेल मंत्री भी बोलते हैं और प्रधानमंत्री भी, कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने कब मना किया है, शायद वहाँ चूड़ियां पहनकर लड़ने का रिवाज है, हमारे यहाँ तो चूड़ियां खूबसूरती का साज है। ऑडियंस एक जोरदार तालियां बजाइए। हमारा परफॉर्मेंस खत्म नहीं हुआ, अभी लास्ट हमारे दो तीन प्रोग्राम बाकी हैं और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बाकी है। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। अरे ऑडियंस की भी नजर नहीं हट रही है, तुम तो ये भी भूल जा रहे हो कि तुम्हारा आज एंकरिंग है, मुझे याद दिलाना पड़ जा रहा है। अरे क्या करे, इतना बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हमारे स्टूडियंस, हम तो अपनी एंकरिंग भूल ही जाएंगे। अरे संभाल कर रखो अपने एक्साइटमेंट को, हमारे अभी लास्ट चार परफॉर्मेंस बाकी है, उसमें भी एंकरिंग करना है तुम्हें। जी ऑडियंस, चलिए हम चलते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की ओर। हमारे अगले परफॉर्मेंस में जो होने वाला है वो धमाकेदार होगा और बेमिसाल होगा। जी हाँ, अभी तक आपने अपना विश्वास दिखाया है, आगे भी अपना विश्वास बनाए रखिए। अच्छा तो ठीक है, बताइए वो क्या है जो सारी भाषाएं बोल सकता है। क्या कहा तुमने, सारे भाषा बोलने वाला? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए सोचिए, आपका आईक्यू तो बहुत अच्छा है ना। क्या है? हाँ शायद मैं सही सोच रही हूँ। तो जो सोच रही है वो बता भी दीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप सही होंगी। पहले जवाब तो सुन लो। बताइए। हमारा मुंह। जी ऑडियंस, ही इज एब्सोल्युटली राइट, हमारा मुंह ही है जो सारी भाषाओं को बोल सकता है। ऑडियंस एक जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। थैंक यू, अब बताओ हमारा अगला परफॉर्मेंस क्या है। यस यू आर राइट, आपका आईक्यू तो बहुत अच्छा था। तो चलिए हम बता ही देते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की के बारे में। अब जो हमारा अगला परफॉर्मेंस होने वाला है वो क्लास 8 और 9 की गर्ल्स लेकर आ रही है, 2018 के सबसे फेमस सॉन्ग लॉन्ग इलायची पर एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस। क्या? ऑडियंस प्लीज एक जोड़ा तालियों से स्वागत कीजिए हमारी क्लास 8 एंड 9 की गर्ल्स का। तो चलिए अब हम दिखाने जा रहे हैं कोका कोला के साथ प्रॉप पटोला। क्या 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 क्या, कोका कोला तो समझ में आया, ये पेपर पोटला? अरे पेपर पोटला नहीं, प्रॉप पटोला। क्या, पापड़ खटोला? अरे कभी गाना भी सुना है तुमने? नहीं मैं गाना वाना नहीं सुनता। तो आज गाना और डांस दोनों एक ही साथ देख लेना हमारे एसटीवी के मंच पे। ऑडियंस क्लास 6 और 7 के साथ आ रही है हमारी प्यारी को होस्ट,
इस खास डांस को लेकर। तो ऑडियंस एक जोरदार तालियां बजाइए हमारी प्यारी को-होस्ट और उन सभी लड़कियों के लिए। नेक्स्ट परफॉर्मेंस, सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस को देखने के लिए। तो ऑडियंस एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे। चलिए बढ़ते हमारे सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस की ओर। परफॉर्मेंस में क्या होने वाला है? अब यहां हमारे मंच पर स्टार्स आने वाले हैं। क्या कहा आपने? स्टार्स यानी तारे। हेलो, मैं सही कह रही हूँ, यहाँ स्टार्स आने वाले हैं, वो भी एक दो नहीं, पूरे 11 स्टार्स। वाह वाह, मजा आ गया। अब जो स्टार्स यहाँ आने वाले हैं वो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और आपको टोटल इंटरटेन करने का जिम्मा उठाएंगे। अच्छा, ये कौन से स्टार्स है? वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम वाले? अरे नहीं, खुद देख लो और देखने के बाद बताना वो कैसे स्टार्स थे। तो ऑडियंस एक जोरदार ताली को भी स्वागत कीजिए एसडीवी के 11 स्टार्स का। और एक और बात, अगर स्टार्स को देखनी है तो थोड़ी इंतजार तो करनी पड़ती है, जैसे दिन हो तो रात का इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही हमारे 11 स्टार्स है, इनके लिए थोड़ा इंतजार तो बनता है। जी ऑडियंस, आप तैयार हो जाइए, हमारे 11 स्टार्स आपको टोटल इंटरटेन करेंगे, ये भरोसा हम आपको दिलाते हैं। तो एक जोरदार तालियां बजाइए और हम सीधे चलते हैं हमारे 11 स्टार परफॉर्मेंस की ओर।